नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 के लिए आज हम वैश्विक पंडित तो पढ़ा चुके हैं बायोलॉजी का क्लास से। आज हम पढ़ाएंगे आपको फ्लोयम। फ्लोयम फ्लोयम जो है, आपको बताया गया है कि जाइलम में दो भाग होते हैं। एक तो जाइलम हो तो वैस्कुलर बंडल में दो भाग होते हैं, एक तो फ्लोएम होता है, दूसरा जाइलम होता है। जाइलम जमीन से जल और खनिज तत्वों को पौधों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम के जो एलिमेंट होते हैं और जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है कि फ्लोएम की कोशिकाएं आपस में जुड़ करके एक रचना बनाती हैं जिसे हम सीव ट्यूब कहते हैं, और सीव ट्यूब के किनारे किनारे पर रचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम कंपेनियन सेल या जो है सखी कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद इसके किनारे किनारे पर फ्लोएम पेरेन्काइमा पाए जाते हैं जो कि इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं या मजबूती प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये सीव ट्यूब सीव प्लेट हो गया, यानी चालनी कोशिका हो गई। ये फ्लोएम के एलिमेंट है या भाग है, ये चालनी नलिका हो गई, चालनी नलिका या कोशिका, और तमाम कोशिकाएं मिलकर के चालनी नलिका का निर्माण करती हैं, और पुनः हम सखी कोशिकाएं या कंपेनियन सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी रचना होती है। ये चालनी कोशिका और चालनी प्लेट, चालनी कोशिका के बीच में जहां जोड़ होता है वहीं पर चालनी प्लेट पाया जाता है जो चलनी की तरह सिर की तरह होता है, जिससे भोजन जब पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फ्लोएम इधर बाद में फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, ये कोशिकाएं निर्जीव होती है। इन सखी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, जबकि चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इस तरह से वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम आपको बताया ही गया है, उसमें हम फ्लोएम की बात कर रहे हैं। फ्लोएम चालनी प्लेट, चालनी प्लेट, चालनी कोशिका, सखी कोशिका और फ्लोएम पेरेन्काइमा मिलकर के फ्लोएम पेरेन्काइमा मिलकर के ये फ्लोएम की संरचना बनाते हैं। तो इस तरह से और काम क्या होता है, जो पत्तियों से बनाया गया भोजन है वो चालनी नलिका से होता हुआ पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। बसंत ऋतु के पहले उसमें गर्मी के मौसम में एक चालनी नलिका पर एक कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है जिसे काइलोस कहते हैं, और तब जो है काइलोस के जमा होने से भोजन का प्रवाह नहीं होता, इसलिए पत्तियां गिर जाती हैं। बसंत ऋतु के आने पर पुनः फ्लोएम से भोजन का प्रवाह होने लगता है, पौधों में नई नई कोपले आ जाती हैं और पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो फ्लोएम में चालनी प्लेट, चालनी कोशिका, पेरेन्काइमा और सखी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि फ्लोएम का निर्माण करती हैं। कल हम जाइलम के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।